नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटी वीडियोस। ननद की हत्या में शामिल भाभी सहित प्रेमी युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिद्धार्थनगर जनपद में थाना गोलहोरा क्षेत्र के एक टेकवा ग्राम के भुवनेश्वर प्रसाद संस्कृत महाविद्यालय के प्रथम तल स्थित एक कमरे में एक अज्ञात महिला का शव मिला था, जिसकी पहचान दिनांक 26 जून 2020 को कुमारी विंजन पुत्र चीनकू गौर ग्राम उसकी उम्र 20 वर्ष के रूप में पहचान हो पाई थी। मृतिका के पिता चीनकू पुत्र सरो बुधिराम द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 26/6/2020 को गोलहोरा थाना पर मुकदमा 94/20 धारा 302-201 आज्ञा दर्ज किया गया। पिछले कुछ माह से मृतिका व्यंजन की भाभी रेणु पत्नी दिलीप गौर से भी अब्दुल रहमान की लंबी बातचीत होने लगी थी। दिनांक 23 से 24 जून 2020 की रात्रि में रेणु गौर अपनी ननद व्यंजन को सुनियोजित तरीके से एक टेगवा ग्राम के मुनेश्वर प्रसाद संस्कृत महाविद्यालय में ले गई। वहां पर अब्दुल रहमान और रेणु गौर द्वारा व्यंजन के उसके दुपट्टे से गला घोट कर हत्या कर दी गई और शव को कमरे में छिपा दिया, जिसका पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 30 जून 2020 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त अब्दुल रहमान पुत्र नवाब को एक डेगवा स्थित मंदिर मोड़ पर तथा रेणु को ग्राम उसकी स्थित रेणु के घर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के पास से बरामद उसके मोबाइल फोन से मृतिका व्यंजन के साथ उसकी कई फोटो मिली तथा अभियुक्त की निशानदेही पर अभियुक्त के घर से मृतिका व्यंजन का मोबाइल भी बरामद कर लिया गया। पेश है सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की एक खास रिपोर्ट। एक अज्ञात युवती की लाश मिली थी, जिसकी शिनाख्त अगले दिन हुई और मृतका के परिवार की तहरीर पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ 12302 IPC का मुकदमा दर्ज किया गया। अन्वेषण के दौरान ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस के माध्यम से प्रकरण का अनावरण किया गया। इसमें पाया गया कि मृतका की भाभी, बड़ी भाभी रेणु और एक मृतका का मित्र अब्दुल रहमान, इन दोनों लोगों ने पूरी साजिश रचकर मृतका का गला दबाकर उसकी हत्या की गई है और हत्या के बाद शव को स्कूल में छोड़ दिया गया था। इस बात के लिए मृतका की भाभी ने अब्दुल रहमान को 10,000 रुपये भी दिए हैं, इसकी भी पुष्टि हुई है। मृतका और अब्दुल रहमान पिछले काफ़ी महीने से एक दूसरे से फोन पे बातें करते थे। मृतका की भाभी भी अब्दुल रहमान से बातें करती थी, ये बात भी विवेचना से पुष्टि हुई है। और रिकॉर्ड्स और मृतका का जो फोन है वो भी अब्दुल रहमान के कब्जे से बरामद हुआ है। इन सब के आधार पर पुलिस द्वारा मृतका की भाभी रेणु और मृतका का मित्र अब्दुल रहमान, इन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया है और दोनों लोगों को न्यायिक अभिरक्षा में आज भेजा जा रहा है।